अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आप सबको खैरियत से रखे। और बहुत बड़ी न्यूज है, इससे पहले कि जो है तुर्की में बहुत बड़ा भूकंप आया हुआ था कि एक शहर का शहर ही पूरा ख़त्म हो गया, और अभी भी बरकरार है भूकंप तुर्की में। भूकंप तो भूकंप और बारिश भी बहुत तेज़ की हो रही है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत में तुर्की के लोग हैं। और हम वीडियो लगाते हैं, चलो चलते हैं देखते हैं कि तुर्की का इतना हाल बुरा हुआ है कि अभी भी भूकंप भी आया हुआ है। एक या दो दिन पहले भूकंप भी आया हुआ है, और बारिश इतनी तेज़ की है मेरे भाई कि आप भी कहेंगे क्या यार, अल्लाह का क्या अजाब है। और हमारे चैनल की तरफ से एक रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग तुर्की के लिए दुआ करें और हमारी वीडियो को आगे शेयर करें। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। आप लोग देखें ये वीडियो, तुर्की के शहर बोलो में रिकॉर्ड किया गया है। 4.8 जलजला आया हुआ है, और इस्तांबुल में भी जलजला आया हुआ है। जलजला के बाद एक दूसरी आफत ने तुर्की को अपने कब्जे में ले लिया है। और आप लोग ये वीडियो पूरा वॉच करें, आगे शेयर करें, क्योंकि अभी बारिश से तबाह हो रहा है तुर्की, एकदम से तबाह है तुर्की, और जलजला भी आया हुआ है। आप लोग पूरी वीडियो वॉच करें। जुनूबी तुर्की मदबर में ये भूकंप आया हुआ है, ये बारिश आई हुई है और ज़बरदस्त बारिश है। ये आप देख रहे हैं, ये भी तुर्की की है, बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है, और आदमियों को भी बहा के लेकर जा रहा है। ये देखिए, ये आदमी जा रहा है, ये और गाड़ियां भी जा रही हैं, डिब्बे और बर्मिल जो होती है वो भी बह रही है। बहुत बुरी पोजीशन है इस टाइम, सैलाब आ चुका है तुर्की में, जलजला से ख़त्म हुआ और सैलाब आ गया। ये जो आप देख रहे हैं तुर्की बीरो में है, बीरो में ऐसा आया हुआ है जलजला, तूफानी समझ लो सैलाब है। ये आप जो देख रहे हैं जुनूबी मशरिक की तरफ है, इसमें 13 लोग की मौत हो चुकी है, या इसमें सैलाब में 13 लोगों की मौत हो गई है। और वीडियो आगे शेयर करना और वॉचफुल करना। थैंक यू।